मेरा अधिकार आपसे अनुरोध करने का और मैं अपने उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए जब तक मैं इस सदन में रहूंगा मैं लगातार आपसे अनुरोध करता रहूंगा और इस सदन में आने के लिए मुझे इनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इनके अंदर ये भाव होगा ये अपने नेता का सम्मान नहीं करते होंगे इसलिए आरोप उस पर लगा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ एक सदस्य के नाते इस सदन में आने के नाते मेरा अधिकार आपसे अनुरोध करने का और मैं अपने उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए जब तक मैं इस सदन में रहूंगा मैं लगातार आपसे अनुरोध करता रहूंगा और इस सदन में आने के लिए मुझे इनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। माननीय शर्मा जी अनुरोध आप प्रतिदिन इसी तरह प्रश्नकाल को बाधित करना और प्रतिदिन इसी तरह आप बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर के बारे में क्या राय, प्रश्नोत्तर के बारे में आपकी क्या राय है, चले कि ना चले? हम बैठ जाएंगे क्या तरीका है? आपका आदेश सर्वोच्च है, आप कुछ कह दें हम बैठ जाते हैं। प्रश्नोत्तर चलने तो प्रश्नोत्तर के बाद सुन ले माननीय थे प्रश्नोत्तर के बाद कैसे सुनना आपको माननीय नेता प्रश्न को बोलना है तो उससे पहले हमारी बात सुन ले फिर नेता प्रत्यक्ष बोले। हम मान ये संस्कृति नहीं है कि माननीय अध्यक्ष जी इतनी देर में मेरी बात आ गई हमारा वाक्य नहीं सुना हम कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर प्रकरण है ये तरीका ठीक नहीं है पुलिस की पिटाई से नौजवान के लिए आप बोल रहे हो। शर्मा जी आप बैठिए ये कार्रवाई का भाग नहीं आप शर्मा जी बोलिए मैं अभी नहीं सुना नहीं सुना नहीं ये तो रोज का होती जबरदस्ती होती कि यहीं सिला दिया जाए बाद में सुन लिया जाए ये रोज की जबरदस्ती रोज की है अनुरोध है लेकिन ये रोज पहले ये होता है पहले यहाँ से कोई खड़ा हो जाए और बाद में ये कि उसके बाद सुन लेंगे नहीं गए तो ठीक किया लेकिन बेल में जाकर आप नहीं गए लेकिन सवाल नहीं होने दे रहे हैं आप सवाल नहीं होने दे रहे आप प्रश्नोत्तर का आप नहीं जी। कभी कैसे प्रॉब्लम जी 311 पर रोजाना एक रात पर्ची लेकर के आ जाना और सवेरे डिस्टर्ब करना ये ठीक नहीं है ना तो हम तो सुन ही रहे हैं जब नियम 311 छप्पन ये सब आज के लिए पहले से ही कार्य मंत्रणा समिति में 311 हमने कब लिया हम जब से अध्यक्ष होकर आए जब से ये विधानसभा आप जबरदस्ती कर रहे हैं मैं इस समय मैं तो ये जबरदस्ती रोज क्यों होती है माननीय अध्यक्ष जी ये तो जो कार्य मंत्रणा समिति में जो नेता लोग बैठते हैं मान्यवर ये उनके प्रति भी सम्मान प्रदर्शित नहीं करते मान्यवर ये ऐसे अपने तरीके से जिसको जो चाहे वो अपने तरीके से हाउस को हाईजैक करने की कोशिश कर रही ये मान्यवर गलत परंपरा है और किसी हालत में इसको इंकरेक्ट नहीं किया जा सकता ये वो ऐसा ही सोचता है इनके अंदर ये भाव होगा ये अपने नेता का सम्मान नहीं करते इसलिए आरोप उस पर लगा रहे मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ एक सदस्य के नाते इस सदन में आने के नाते मेरा अधिकार आपसे अनुरोध करने का
और मैं अपने उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदन में नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने समिति ये अपने नेता के भेलना है मान्यवर ये कार्यवाही का भाग नहीं जो आप माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके जो कार्यसूची है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं मान्यवर उसके अनुसार ये किसी भी हालत में उचित नहीं है मान्यवर अपने तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना मान्यवर नहीं बिल्कुल नहीं नहीं किसी तरह तरीका बिल्कुल नहीं ये तरीका नहीं है मान्यवर नहीं ये ठीक नहीं ये तय हो चुका है कार्य मंत्रणा समिति में ये कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव यहां सब सम्मत से पारित हो चुका मान्यवर अपने 56 निर्देश नहीं ले रहे हम इस हाउस में है कोई एम्बुलेंस तो भी नहीं है हम बीमार होंगे एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी हमारी विनती है इमरजेंसी का है आप बात क्वेश्चन एक बार समझ के सुन लीजिए और सरकार ध्यान आकर्षित कर दीजिए क्वेश्चन बार सदन में माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन आवर में बजट तक पास कर दिए गए हैं कौन सी बात करेंगे तो इस पर तो डिबेट कर नहीं रहे हम कर लेते वो किस मुंह से इस बात को कहेंगे तब आप लोग वरिष्ठ हैं जैसे चलाते रहे वरिष्ठतम तो वो है हम थोड़े वरिष्ठ हैं लेकिन मैं नियमों के अनुसार चला रहा हूं मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं मुझे संरक्षण दीजिए मुझे कम जानकारी है मेरी पीड़ा है मेरी पीड़ा सुन ले जो आपका निर्णय होगा मुझे स्वीकार नहीं इधर ये आदत बन गई है आपका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार आप जो निर्णय दे दें मुझे स्वीकार नहीं तो आज तो आपका 311 तो लिया गया नहीं तो आप कोई तो निर्णय कुछ तो मेरी पीड़ा सुन ले कभी भी तो सुन ले आप बता दे मैं बैठ जाता हूं तो इसमें जबरदस्ती तो नहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय अध्यक्ष जी ये गांव गए हुए थे कार्य मंत्रणा समिति में जो बातें तय हुई उस आज इनको पता नहीं था लेकिन इनका मामला बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए उठाना चाहते थे कार्य मंत्रणा में तय हुआ कल आज और शायद कल भी 56 नहीं लिया जाएगा लेकिन वहां मैं भी जौनपुर में गया था उसके घर विदारक घटना है आपसे मेरी प्रार्थना है कि इनको जब 56 आ गए जिस दिन भी हो तो इनको प्राथमिकता पर लिया जाए इनकी बात को सुना जाए और जो कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है माननीय सदस्य ललई जी उसको आप स्वीकार करें यही हमको कहा